नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा के चौराटा हवाई पट्टी में ट्रेनिंग के दौरान समीपी गांव उमरी में क्रैश हुए हवाई जहाज में घायल ट्रेनी पायलट सोनू यादव की हालत खतरे से बाहर है। ट्रेनी पायलट का हाल जानने एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज के डीन और वरिष्ठ शिक्षकों से हाल जाना है। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि मुख्य पायलट को मृत अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, लेकिन ट्रेनी पायलट की हालत खतरे से बाहर है। वरिष्ठ चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान छोटा प्लेन उमरी गांव में क्रैश हुआ है, जिसमें मुख्य पायलट की मौत हो गई है। घटना की वजह घना कोहरा है, साथ ही कंपनी की लापरवाही भी उजागर हुई है। आइए आपको सुनाते हैं अस्पताल के चिकित्सकों के साथ एडीजी पूरे मामले को लेकर क्या कहा। जो हमको इसकी सूचना मिली तो ये था कि जो एक थे बिमल कुमार, वो तो जब आए थे तो ब्रॉड डैडी थे। दूसरे थे सोनू यादव, जो लाए गए, जो जिनकी हालत मतलब जो घायल हुए थे, तो उनकी भी अगर देखा जाए तो बाकी शरीर में तो चोटें नहीं हैं इतनी, सिर्फ सिर में चोट है, उस वही है। और जो न्यूरो सर्जन ने भी देख लिया, उनके सारे स्कैन और सारी जाँचें हो गई हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि खतरे की बात तो नहीं है और धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे, जो उनके सिर की चोट है उससे भी। अभी संभागीय अधिकारी भी मिलने आए थे। जी जी, तो वो सब यही देखने आए थे कि उनकी कंडीशन कैसी है, और यही कि भाई उनका इलाज अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनका हालचाल पूछने के लिए आए। कहाँ कैसे चोट आई है? उनके सिर में चोट ही आई है, तो वो जो सिर की चोट है वो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगी। बाद बाकी और कोई बॉनी इंजरी तो नहीं है, एक सिंपल फ्रैक्चर है उनको। जिनकी डेथ हो गई है उनको गहरी चोटें थी, अब ये तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि उनको क्या चोटें आई थी, और अभी बॉडी रखी हुई है, जैसे पीएम होगा तो उस टाइम पर पता चल जाएगा उसकी क्या चोट। ये प्लेन क्रैश हुआ है, जैसे कि बताया आप लोगों को, प्लेन क्रैश रात में 11:30 बजे हुआ है। ये सेसना एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसमें जो ट्रेनर है विमल कुमार और ये सोनू यादव थे जो ट्रेनी हैं, तो रात में 11:30 बजे क्रैश हुआ था वहाँ उमरी गांव में, है ना। और पायलट को जो ट्रेनर था सुलाते लाते यहाँ हॉस्पिटल में उसका मृत्यु हो गई। बाकी ये सोनू यादव अभी आउट ऑफ डेंजर है, ऐसे डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो क्या वजह थी सर, क्या कुछ मालूम? तो लैंडिंग में फॉग था, ज़्यादा कोहरा था, उसके वजह से दिक्कत आई है। मौसम खराब था। बाद भी इसको उड़ने की परमिशन कैसे, इसकी जांच ये उसमें तो जांच के विषय है, इंक्वायरी कराएंगे इसमें, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। अभी तो नॉर्मल हो रहा है, अभी आउट ऑफ डेंजर है बता रहे, सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, हेड इंजरी वगैरह नहीं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288506 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।